बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। उत्तराखंड में इस बार 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे तो वहीं 27 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। वहीं यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए इस बार सरकार ने सभी से ही यात्रा को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मीटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। कल चमोली जिले और इसी हफ्ते में उत्तरकाशी जिले में भी समीक्षा बैठक की जाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे यहाँ पर्याप्त डॉक्टर है, पर्याप्त दवाइयां है, पर्याप्त संसाधन है। इसके अलावा मेरी मुलाकात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा के लिए अलग से जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी वो भारत सरकार देगी। हमारे पास डॉक्टर्स पूरे हैं, संसाधन। मैं रुद्रप्रयाग जिले की बैठक कर रहा हूँ, परसों में चमोली जिले की बैठक कर रहा हूँ और फिर इसी हफ्ते में उत्तरकाशी जिले के भी समीक्षा बैठक करने जा रहा हूँ। स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमारे पास डॉक्टर्स पूरे हैं, संसाधन पूरे हैं, दवाइयाँ पूरे हैं और बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने भी मुझको ये कहा है। अभी मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गया था तो उन्होंने भी कहा कि आप चार धाम के लिए एक अलग से जितना भी खर्चे की जरूरत पड़ेगी भारत सरकार भी देती रहेगी। मैं रुद्रप्रयाग जिले की बैठक कर रहा हूँ, परसों में चमोली जिले की बैठक कर रहा हूँ और फिर इसी हफ्ते में उत्तरकाशी जिले के भी समीक्षा बैठक करने जा रहा हूँ। स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमारे पास डॉक्टर्स पूरे हैं, संसाधन पूरे हैं, दवाइयां पूरे हैं और बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने भी मुझको ये बात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, किस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून से आ रही है चार धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला। स्वस्थ घोड़े खच्चरों का होगा पंजीकरण, चालकों को दिए जाएंगे टोकन, मार्ग जांच टीम की होगी तैनाती, घोड़ा खच्चरों संचालकों पर होगी पैनी नजर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चार धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। घोड़ा खच्चर चार धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला। यात्रा को लेकर बड़ा फैसला, देहरादून से इस वक्त पड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वस्थ संचालकों को दिए जाएंगे टोकन, मार्ग जांच टीम की होगी तैनाती, घोड़ा खच्चर संचालकों पर रखी जाएगी पहली नजर। चार धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला, स्वस्थ घोड़े खच्चरों का होगा पंजीकरण, संचालकों को दिए जाएंगे टोकन, मार्ग जांच टीम को होगी तैनाती। चार धाम यात्रा खच्चरों का होगा पंजीकरण, चालकों को दिए जाएंगे टोकन, स्वस्थ घोड़े खच्चरों का होगा पंजीकरण। चार धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चार धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला, स्वस्थ घोड़े खच्चरों का होगा पंजीकरण, संचालकों को दिए जाएंगे टोकन, स्वस्थ घोड़े खच्चरों का होगा पंजीकरण। खबर चमोली से है, जहां जिले के जीजीआईसी नारायण बगर की छात्राओं ने एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण की है, जिसमें बालिकाओं ने अपने गुरुजनों के सानिध्य में जनपद के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के कई स्थलों का दीदार कराया गया, साथ ही उनकी ऐतिहासिक विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान छात्राओं ने प्रफुल्लित होकर अपने अनुभव को साझा किया। चमोली की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छात्राओं ने
एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण किया है अपने शिक्षकों के साथ, और इस दौरान उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। और आपको बता दें कि इस दौरान छात्राओं को कई अहम जानकारियां दी गई, छात्राओं ने अपना अनुभव साझा किया है। शैक्षिक भ्रमण के लिए चांदपुर गढ़ी आदिबद्री और विधानसभा भवन को देखने के लिए आए हैं। हम यहाँ से 8 बजे निकल गए हैं और हमने सबसे पहले चांदपुर गढ़ी देखा। वहाँ हमने इसके जो राजा थे उनके पुराने किले को देखा और यहाँ के कुछ इतिहास के बारे में हमारे संत लोगों ने हमें कुछ बताया, और पूरे बस में हमने यहीं के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद हम आदिबद्री के मंदिर में गए, जहाँ हमने 14 मंदिरों को देखा जो अलग अलग भगवानों के अलग अलग मंदिर थे। सबसे पहले हम चांदपुर गढ़ी आए तो जो वो जगह है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और उसमें जो ASI है आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये जगह कैसे, मतलब किस राजा के द्वारा वो बनाई गई थी, किसका गढ़ था, तो उसको हमने पढ़ा और हम वहाँ थोड़ी देर घूमे। तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जगह और अपने गढ़वाल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमारे जो सर लोग थे हमें बस से भी वो बता रहे थे। समग्र शिक्षा अभियान उत्तराखंड के तहत हुआ, जिसके तहत हर साल कक्षा 9 और कक्षा 11 के बच्चे शैक्षिक भ्रमण पर विद्यालयों के द्वारा भेजे जाते हैं और उनके लिए निश्चित एक ग्रांट भी आती है। तो उसके तहत हमने विचार बनाया SMC की कमेटी के तहत और पूरे पेरेंट्स से पूछ करके कि हम इस बार भराड़ीसैंण को मुख्य लक्ष्य बनाएंगे, और उसके साथ साथ जो रास्ते में पड़ने वाले चांदपुरगढ़ और आदिबद्री मंदिर समूह उनके भी बच्चों को दर्शन कराएंगे, और वहाँ के इतिहास और भूगोल और जो उसका धार्मिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बारे में जानकारी दी हमने। चमोली जिले में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अलख जगाने में अभियान में लगा हुआ है। इसी क्रम में पिंजर घाटी के 3 विकास खंडों में हिमालयन सांस्कृतिक समिति के कलाकारों ने नारायण बगर में कई स्थानों और विद्यालयों में नुक्कड़ नाटक के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर लोगों को जागरूक किया। हिमालयन सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष किशन सिंह दानू के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज और बालिका इंटर कॉलेज में नुक्कड़ नाटक के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए आम लोगों और स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। इस अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक समिति के प्रकाश चंद्र, रोजी सोनू और कई लोगों ने अपने अनुभव से लोगों को जागरूक किया और उन्हें समझाया। चमोली में स्वास्थ्य विभाग नुक्कड़ नाटक के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चला रहा है। आपको बता दें कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और इसी क्रम में नुक्कड़ नाटक जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है। भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें बेटियों की सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जा रही है। तो कार्यक्रम दानू जी का है, ये बहुत ही अच्छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत ही अच्छा जागरूक करने वाला कार्यक्रम है। इससे छात्राओं को एक तो जो समानता का अधिकार के बारे में बताया जा रहा है कि बालिकाओं का भी अधिकार बालकों के समान है और बालिकाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं। ये बालिकाओं को एक बहुत प्रेरणादायक प्रोग्राम इनका चल रहा है। इससे बालिकाओं को एक तो स्वयं के बारे में और दूसरे में जो समाज में यदि ऐसी कुरीतियां रह गई है, एक कुरीतियां रह गई है कि माना बेटियों को पढ़ाने में हिचकिचाते हैं लोग, और जब हम ये जागरूकता और बाल विवाह कर देते हैं 17 साल में लड़की का विवाह कर देते हैं, तो हम लोग इसको ये चाहते हैं कि बेटी को शिक्षा दी जाए और बेटी को माना ससुराल में बाल विवाह न हो, बेटी हो या बेटा बराबर उनका अधिकार हो। कि सबसे पहले बेटी को कार्यक्रम है और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। वहीं आपको बता दें कि
इस दौरान भ्रूण हत्या के खिलाफ दुबे चौड़ीकरण के लिए मिले 1464 करोड़, सितारगंज बाईपास निर्माण के लिए मिले 1391 करोड़। सीएम ने केंद्र सरकार का आभार जताया है, हाईवे चौड़ीकरण के लिए प्रदेश को 3891 करोड़ रुपए की के बजट का प्रावधान किया गया है प्रदेश के लिए। आपको बता दें कि सितारगंज बाईपास निर्माण के लिए भी पैसों का आवंटन हुआ है। सीएम ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बरेली सितारगंज हाईवे चौड़ीकरण के लिए मिले 1461 करोड़, सीएम ने जताया केंद्र का आभार। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भानियावाला से ऋषिकेश तक बनेगा 4 लेन, बरेली सितारगंज हाईवे चौड़ीकरण के लिए 1464 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। हाईवे चौड़ीकरण के लिए प्रदेश को 3891 करोड़ रुपए का बजट मिला है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भानियावाला से ऋषिकेश तक बनेगा 4 लेन, बरेली सितारगंज हाईवे चौड़ीकरण के लिए 1464 करोड़ रुपए, सितारगंज बाईपास निर्माण के लिए 1391 करोड़ रुपए। और सीएम ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। भानियावाला से ऋषिकेश तक बनेगा 4 लेन। भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने को लेकर बीएड डाइट और डीएलईडी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने यमुना कॉलोनी स्थित शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। दरअसल प्रदेश के अलग अलग जनपदों से देहरादून पहुंचे सैकड़ों बीएड डाइट और डीएलएड प्रशिक्षितों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने को लेकर शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया है। प्रशिक्षितों का कहना है कि विभाग सहायक अध्यापक प्राथमिक रिक्त वर्गों का वर्ष 2018, वर्ष 2020 तथा 2021 के लगभग 3000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है, मगर 4 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी विभाग अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सका है, जिससे उम्र की सीमा को वो पार कर चुके हैं और प्रशिक्षित बेरोजगार आक्रोशित हैं। इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि 2800 प्राइमरी टीचर्स की नियुक्तियां होनी थी, जिनमें से 1800 की नियुक्तियां हो चुकी हैं। बाकी नियुक्तियों पर आगामी 30 मार्च को फैसला आएगा, जिनमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित हैं जो विगत काफी लंबे समय से विभाग तथा सरकार से निरंतर अनुरोध कर रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया लंबित करी हुई है इन्होंने, उसको पुनः शुरू किया जाए। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब इन्होंने शुरू नहीं किया है, तो आज हमें मजबूरन यहाँ पे माननीय शिक्षा मंत्री आवास पर धरना देना पड़ा। अभी सारे वो लोग मुझे मिले थे और लगभग 100 लोग आए थे। उनका मामला हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि जो प्राइमरी में भर्ती होनी थी वो तो होनी थी 2800 टीचर्स की, जिसमें से लगभग 1800 टीचर्स की नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। राजधानी देहरादून में युवाओं का भर्ती घोटालों को लेकर गुस्सा सड़कों पर दिखा। गांधी पार्क के बाहर युवाओं को की भारी भीड़ जुटी। धरना प्रदर्शन कर युवाओं ने प्रदेश में लगातार सामने आ रही भर्ती घोटालों को लेकर आक्रोश जताया। आपको बता दें कि यूके CCC शान है और इलाके में दहशत का माहौल है। हाथियों का झुंड यदा कदा रिहायशी इलाकों में आ जा रहा है, जिससे लोग परेशान है, लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से रात के अंधेरे में हाथियों का पूरा एक झुंड घूम रहा है सड़कों पर, और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, लोगों में दहशत है, लोग डरे हुए हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जोशीमठ में आई आपदा के लिए एक बार फिर हरिद्वार जिला प्रशासन ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि ट्रकों में राहत सामग्री भेजी गई है, जिससे पीड़ितों के लिए कंबल, खाने पीने का सामान शामिल है। साथ ही जिन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया उनके लिए विशेष राहत सामग्री भेजी गई है, जिससे पीड़ित लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और राहत सामग्री जा रही है, इसमें करीब 2552 लगभग 2500 के आसपास फूड पैकेट्स हैं। हर फूड पैकेट्स 15 केजी के हैं, जिसमें जरूरत का जो रोजमर्रे के सामान होते हैं वो जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 550 कंबल भी हम लोग आज यहाँ से 5 ट्रकों के माध्यम से रवाना कर रहे हैं। हम लोगों का लगातार वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में गड्ढा खोदकर डाली गई लाखों रुपए की सरकारी दवाइयां बरामद की गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। गड्ढा खोदकर दबाई गई सरकारी दवाइयां बहादराबाद के सरकारी अस्पताल से लाई गई थी। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि जल्द ही इस मामले पर कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि गड्ढा खोदकर निकाली गई खेप में दवाइयों से भरे 25 कट्टे मिले हैं, जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए आकी गई है। मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दो दवाइयां ऐसी हैं जो अभी कल इसकी जानकारी मुझे दूरभाष पर ही किसी ने दी थी, और उसके बाद तत्काल वहां एसडीएम सदर को भेजा गया था। वहां पर सब जो डिगिंग की गई थी उसमें करीब 25 कट्टे निकले हैं, और उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 3 लाख के आसपास बताई जा रही है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे तक हो चुकी है, और जो जेसीबी का ड्राइवर था वो भी पकड़ा जा चुका है। साथ ही साथ जो प्रथम दृष्टया है ये बहादराबाद पीएचसी का मामला प्रतीत हुआ है। बजट के बाद विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। इसी सबके बीच उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे और कहा कि विपक्ष की बातें उचित नहीं है, बजट में रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं, उत्तराखंड को भी इससे बहुत कुछ मिला है। प्रदेश के लिए 504 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे रोड कनेक्टिविटी और रेल नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि आपदा में लोगों का काफी नुकसान हुआ है, इसी को देखते हुए आपदा पीड़ितों को जल्द विस्थापित किया जाएगा। जोशीमठ में खुद गया था, और जोशीमठ आपको पता है कि मोरेन पे बना हुआ है, जो ग्लेशियर रेता छोड़ जाता है, चट्टानों को छोड़ जाता है और शिफ्ट करता है, उसी पर जोशीमठ बना। और ये सबको पता था कि वहां पर क्या स्थिति पैदा हो रही है, परंतु बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन दी गई और सब कुछ हो गया। 2013 के अंदर जो हमारा अगस्त मुनि था और विजयनगर था, वहां पूरी सड़क हमारी चली गई, फिर भी उसको मैंने दुरुस्त किया। मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी को भी एक पत्र लिखा है कि वहां आर्मी की एक छावनी बनी हुई है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण में से रुद्रप्रयाग जनपद के खंखरा गांव में भी दरारें पड़ गई हैं। गांव के नीचे से बन रही टनल के कारण यहां के आवासीय घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। वहीं ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर कई बार रेल लाइन विभाग निर्माण का काम कर रहे कार्यदायी संस्था से मिल चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों को ना तो मुआवजा मिल पाया है और ना ही कोई अन्य कार्रवाई हो पाई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था के अलावा शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। हमारे घरों में जो दरारें पड़ी हैं, अभी तक उसका सरकार ने कोई भुगतान नहीं किया है। हमारी यही मांग है कि उसका भुगतान तुरंत किया जाए, और जो हमारे ये प्रदूषण से हमारे गाय बच्ची वातावरण पूरा दूषित हो रहा है, उसके बारे में सरकार कुछ निदान निकाले, नहीं तो हम यहाँ पे
रेलवे ऑफिस में जाके अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। बहुत दिक्कत आई रेलवे इससे काम से, और हमें घरों में बहुत ही दरारें आ रखी है, और हमें बहुत ही परेशानी हो रही है कि हम अब घरों में कैसे रहेंगे। नहीं हमारी सुनवाई कर रहे हैं कुछ, नहीं हमारे कुछ वो, नहीं हमारा भुगतान कुछ कर रहे हैं। नाना जी ने 30 साल की सेवा की है देश की, और मामा जी 25 साल की उम्र में शहीद हुए इस देश के लिए। जिस माँ ने अपना पति और अपने बेटे को इस देश के लिए दे दिया, तो उस देश ने आज यही किया उस माँ के साथ, उस महिला के साथ, 70 साल की उम्र में उस बुजुर्ग औरत के साथ। क्यों सरकार इतना अन्याय कर रही है? कहीं ना कहीं उत्तराखंड का विकास हो रहा है, पर कुछ लोगों के लिए ये विकास बहुत ही परेशानी की जड़ खड़ी कर रही है। 70 साल का उम्र है मेरी, और ये 3 साल से मिस कंपनी रेलवे की मिस कंपनी, और जिम बोलता है मेरे लिए, माता जी मैं भी धूल मट्टी खा रहा हूँ, ज्यादा बोलेंगे तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। ठीक है, मैंने कितना बार बोला कि तुम मेरे को यहाँ से हटाओ, तुम अपने सही रोड निकालो, कि यहाँ नहीं निकालते हैं कि यहाँ से रोड भर निकालो, उन्होंने माना नहीं मेरे को, उल्टा ठेकेदार ने दिया। रेलवे का काम हुआ तब से हर दिक्कतें हैं, लेकिन ग्रामीणों ने भी ये सोचा कि ये दिक्कतें हो रही इनका समाधान होगा, इन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन आज एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। घर में दरारें पड़ चुकी हैं, घर जर्जर हालत में है, धूल प्रदूषण से बच्चे बीमार हो रहे हैं, वृद्ध लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुविधा नहीं है, पानी का छिड़काव कहीं नहीं है, और लगातार इन रेलवे के कामों की वजह से पूरा वातावरण दूषित हो गया। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमको, अब क्या बताएं, हम कितनी बार हमने धरना प्रदर्शन किया, कुछ नहीं हो रहा, कुछ सुन ही नहीं रहे। हमारे कल हुए ऐसा है कि ये तो अपने काम खत्म करके चले जाएंगे, एक दो साल में जब भी जाएंगे, इन्होंने जाना ही है, भगवान ने करे उसी बीच मतलब ये चले जाएंगे। अभी तो हमको बोलने का मौका आया, तब हम किसके पास जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।